हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए श्रुत पुत्र नाटक के प्रमुख पात्र या नायक कर्ण का चरित्र चित्रण हम पढ़ेंगे, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अगर आप प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर नगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई या बाराबंकी इन ज़िलों से संबंधित हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही पूछा जाएगा। इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेखक। जो सूतपुत्र नाटक है इसके लेखक हैं डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी। अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र कर्ण, गौड़ पात्र कुंती, श्रीकृष्ण, परशुराम। मतलब कर्ण के अलावा जो इसमें पात्र हैं वो हैं कुंती, श्रीकृष्ण, परशुराम। इस प्रकार से आप हेडिंग डालकर इसे देखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सूतपुत्र नाटक के सूतपुत्र नाटक में कर्ण का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। उसके बाद आप हेडिंग वाइज इसे 4 से 5 हेडिंग आप लिखेंगे। पहली हेडिंग है युद्धवीर। कर्ण की युद्ध वीरता जगत प्रसिद्ध है। कृष्ण भी इस बात को मानते थे कि यदि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में है तो पांडवों की विजय कठिन है, किंतु यदि कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाए तो शायद युद्ध टल सकता है। निःसंदेह शौर्य और पराक्रम में कर्ण अर्जुन से उच्चतर स्तर का था। तो इस प्रकार आप युद्धवीर हेडिंग डालकर उसमें ये लिखेंगे। उसके बाद इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, एक थ्योरी टाइप की है, आप याद कर सकते हैं इसे आसानी से। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आप आत्मविश्वासी। इसमें लिखेंगे कर्ण में ऊँचे दर्जे का आत्मविश्वास है। जब भीष्म पितामह ने उसे पांडव पक्ष में जाने का परामर्श देते हुए कहा कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है अतः उनकी विजय निश्चित है। उसके बाद लास्ट हेडिंग डालें, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे दानवीर। दानवीर हेडिंग डालकर आप इसमें लिखेंगे कर्ण में दानशीलता का गुण सर्वाधिक प्रशंसनीय है। उसके द्वारा कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच और कुंडल मांगते हैं जो उसे अपने पिता सूर्य से प्राप्त हुए थे। सूर्य ने कर्ण को चेतावनी भी दी कि वह इंद्र के धोखे में ना जाए, किंतु कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच व कुंडल दान में दे देता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंद्र भगवान ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे थे, जबकि कर्ण ब्राह्मण के रूप में, जबकि कर्ण जानता था कि वह इंद्र ही हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें कवच कुंडल दान में दे देता है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सुंदर, आकर्षक एवं तेजस्वी। कर्ण जन्म से ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी था। उसके मुख पर जन्म से ही सूर्य के समान तेज व्याप्त था। कुंती ने जब उसे देखा तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। उसके बाद लास्ट हेडिंग है आपकी धैर्यशाली। कर्ण बहुत धैर्यशाली है। घोर से घोर संकट में भी उसका मन चंचल नहीं होता। कवच और कुंडलों को उतारते समय उसका धैर्य दर्शनीय है। संक्षेप में कर्ण महादानवीर, आत्मविश्वासी, त्यागी तथा धैर्यवान है। इस प्रकार से आप लिखेंगे सूतपुत्र नाटक के प्रमुख पात्र जो हैं कर्ण का चरित्र चित्रण। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।